गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संदीप को योर सोशल साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नाइन्थ क्लास, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन दिस पेज और इन दिस पैराज वी विल रीड अबाउट द प्रीफेस ऑफ द चैप्टर. ठीक है बेटा, इतने एक इवेंट जी है उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन की हिंदा है कि एक तरीके का विद्रोह, एक क्रांति. ठीक है, और फ्रेंच मतलब जो फ्रांस से होया है. ठीक है, 1789 बच्चे फ्रांस के एक रेवोल्यूशन होया है, उन्होंने आप इस चैप्टर थोरली पढ़ांगे. बट फर्स्ट चैप्टर उत्ते जी एक ईवेंट दिती हुई है, दैट इज रिलेटेड टू द 14th of July 1789. ए वाली इवेंट जी है बच्चे वो इस रेवोल्यूशन की जी है शुरुआत मनी जाती है, और इस तो बाद कंटीन्यूसली इवेंट्स जड़िया है होंदिया रही. और जरा फ्रांस रेवोल्यूशन जोड़ा है वो अपन देखने मिलता है, और ये इंपैक्ट्स जोड़े है आलमोस्ट सारे सारे वर्ल्ड पर ही पे. ये कई तरीके लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटरनिटी वर्गिया जड़िया फीलिंग्स है, वर्ड्स ही वो आम लोगों की होंद में आए, और आम लोगों ने भी इक्वैलिटी और लिबर्टी के लिए लड़ना जोड़ा है वो शुरू कर दिता. सो अगर आप स्टार्टिंग की गल करते तो कहें कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 14th July 1789 द सिटी ऑफ पैरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. कहना कि 14 July 1789 की जी सवेर सी उस टाइम तो पैरिस जोड़ा शहर है वो एक तरीके ना एक अलार्म की सिचुएशन के. ठीक है, जोड़ा राजा सीगा उन्हें अपने ट्रूप्स मतलब जी आर्मी हैगी उन्हें अपनी आर्मी को कमांड किया कि वह सिटी के वल जाए, और रिम्यूर्स मतलब कि अफवाह फैलिया हुई है कि जल्दी ही जी आर्मी है वह आएगी और आम लोगों के उत्ते जोड़ा है वह कंटीन्यूसली फायरिंग जी स्टार्ट कर देगी. ठीक है, आम लोगों को मारन के लिए राजा जोड़ा है वह आर्मी भेज रहा है. ठीक है, इस टाइम पर कहें कि 7000 के नियर अबाउट मैन एंड वूमेन्स जोड़े ने वो टाउन हॉल के सामने एक जगह हैगी, उ टाउन हॉल के सामने वो जोड़ा है वह इकट्ठे हो जाते हैं. 7000 male and females, and after that they decided to form a people's militia. People militia मतलब कि वो लोग एक सेना के रूप में अपने आप नूं तैयार करते हैं, और उस तरीके दे नाल जिहड़ा है अगे वधना जिहड़ा है वो शुरू कर देंदे आ. मिलिटिया बच्चे हुंदा है वो वाला परसन जिहड़ा बिना किसी सैल्फ इंटरस्ट तो जिहड़ा है वो लड़ता है, और अपनी जान दे परवाह किते बिना जिहड़ा है वो किसी जंग लड़ाई दे विच पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, सो कहिंदे कि बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां विच जांदे आ, और उत्थे हथियार लभण दे लई कि इत्थे शायद हथियार रखे होण इहदे लई जिहड़ा है वह उन्हां बिल्डिंग्स नूं ढा दिंदे आ जां तोड़ फोड़ करदे आ. फाइनली उन्हां विचों कुछ 100 लोकां दा जिहड़ा इक ग्रुप है वह सिटी के पूर्वी हिस्से वल नूं मूव करता है, दे मूव फॉर टवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, एंड इत्थे एक प्रिजन फोर्ट्रेस सीगा मतलब एक वह वाला किला बनया है, एक जेल बनी हुई हैगी जिहदा नाम हैगा बास्टाइल. ये बास्टाइल का जिहड़ा किला हैगा इत्थे आम लोगों नूं जिहड़ा हैगा कैद रख्या जांदा हैगा. ठीक है, सो उन्हां नूं लगा कि जरूरी इत्थे जिहड़ा है वह उन्हां नूं हथियार मिल जाणगे, सो इस साइड नूं मूव करदे ने तां कि उन्हां नूं टू फाइंड द होर्डड एम्यूनीशन. होर्डड मीनस इकट्ठे किए हुए, सो जिहड़े उत्थे इकट्ठे करके रखे हुए हथियार है एम्यूनीशन मतलब हथियार उन्हां सारिया नूं लभण दे लोक उधर नूं मूव करदे है, और हौली हौली जिहड़ा है नैक्सट स्टैप की हुंदा है कि बास्टाइल दा जिहड़ा कमांडर सीगा उन्हूं मार दिता जांदा है. ठीक है, उत्थे जिथे जिहड़े प्रिजनर सीगे जिहड़े उत्थे कैदी रखे हुए सीगे उन्हां नूं छड्ड दिता जांदा है, रिलीज़ कर दिता जांदा है. और बास्टाइल जिहड़ा उन्हां नूं लोकी बहुत ज़्यादा मतलब नफरत करदे है एक तरीके नाल, और राजा की जिहड़ी डेस्पोटिक पावर हैगी मतलब निरकुंछवादी जिहदे ते उपर कोई भी रोक नहीं हैगी, राजा जो दिल करदा हैगा करदा हैगा, उस पावर के सिंबल के रूप के जिहड़ा हैगा बास्टाइल नूं देखा जांदा हैगा. सो लोग की करते उन्होंने डेमोलिश्ड कर दिता मतलब कि उन्होंने सारा सारा बास्टाइल का जो किला है उन्होंने ढा दिता, और जो पीसस इट्टा रोड़े कुछ भी कह लो. ठीक है, वो जो फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े है स्टोनस के जिन्हों बनया हुआ है उन्होंने मार्केट के वेच दिता गया, और बहुत सारे लोगों ने जोड़ा है उन्होंने खरीदया जड़े कि एक उस डेस्पोटिक पावर के एक साइन के तौर पर उन्होंने अपने घर च रखना चाहते हैं. ठीक है, सोवीनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन मतलब है
सोवीनर मतलब हुंदा है कि एक निशान, एक निशानी। ठीक है, नैक्सट बच्चे कहते कि जो इस तो बाद डेज आते हैं उदा रियोड्स जोड़े ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैरिस मतलब रियोडिंग मतलब दंगे होना, एक दूजे मारना। ठीक है, आर्मी नू आम लोग मार रहे हैं, आम लोगों आर्मी मार रही हैगी, और सिटी जी पैरिस की है उत्थे रियोड्स होंगे है, और कंट्री साइड मतलब जो लागे बन्ने वाले शहर पिंड है उदा भी होंगे है। ठीक है, ये कहते लोग जोड़े है जो ब्रैड है जो उन्होंने स्टैपल फूड है मेन फूड है वो जोड़े प्राइसिस काफ़ी ज़्यादा वादे है। सो इसलिए लोग अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कहते हिस्टोरियंस जोड़े ने उन्होंने काफ़ी टाइम बाद चीज़ों जो ये ईवेंट्स हो चुकिया इन्होंने ईवेंट्स हो चुकिया बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है उदो हिस्टोरियंस जोड़े इन्ह चीज़ों रियलाइज कर पाए कि ये एक तरीके उन्होंने चेन्स ऑफ ईवेंट्स की स्टार्टिंग हैगी जिड़िया हौली हौली जोड़ा है ये एक क्रांति के रूप में बदल गया और जोड़ा किंग हैगा फ्रांस का उन्होंने एग्जीक्यूट कर तक ये ईवेंट्स कंटीन्यूअसली चल दया रही। ठीक है, सो ये सारा जो भी है ये लोगों ने सोचा नहीं है जो बास्टल उठाते पे है ज कुछ भी ब्रैड्स के फूड्स जोड़े प्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई चले गए। सो लोगों ने उस टाइम नहीं सोचा कि इवें का कुछ होएगा। ठीक है, सो एक सब कुछ किमें होया ये आप अपन आने वाली वीडियोज़ के आप देखा नीचे पिक्चर दी है बच्चे विच इज़ रिप्रजेंटेटिंग टू द बास्टाइल। ठीक है, थैंक यू।